नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि। जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली गुड न्यूज से। आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर पूरा भारत तिरंगे के रंग में जगमगा रहा है। पीएम मोदी ने परंपरा का पालन करते हुए हर साल की तरह इस साल भी लाल किले पर ध्वजारोहण किया। सीमा सुरक्षा बल से लेकर भारतीय नौसेना भी स्वतंत्रता दिवस को शानदार तरीके से मना रही है। सीमा सुरक्षा बल से लेकर भारतीय नौसेना भी स्वतंत्रता दिवस को शानदार तरीके से मना रही है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों INS सह्याद्री और INS कोलकाता पर ध्वजारोहण किया गया। ये दोनों ही जहाज एक्सरसाइज मालाबार 2023 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं भारतीय तट रक्षकों ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में पानी के भीतर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के दौरान उन्होंने तिरंगे को सलामी भी दी और राष्ट्रगान भी गाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पंजाब के अमृतसर में बाघा बॉर्डर के पास ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर लगातार 10वीं बार तिरंगा फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और उनसे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं। आजादी के अमृत काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अमृत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टिकरण की है। ये तुष्टिकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। तो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी देशवासी उत्साह के साथ अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये दिन हम सबके लिए गौरवपूर्ण और पावन है। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति मुर्मू को। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सब के लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि कस्बों और गांव में, यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब त्रिरंगा फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारी शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ
हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं। जय हिंद।